गुरुवार को ब्याहुत कलवार सेवा संघ के नवादा आरा स्थित प्रधान कार्यालय में कलवार समाज के कुल देवता भगवान बलभद्र जी का जन्मोत्सव और पूजनोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच दो शास्त्र वेताओं के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री वैश्य शिरोमणि श्री तारकिशोर प्रसाद जी और ढाका विधायक पवन जायसवाल जी के संयुक्त तत्वावधान में दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ होते ही हजारों की संख्या में उपस्थित स्त्री पुरुष नौजवान बच्चे बच्चियों ने तालियां बजाई और माहौल को ऊर्जावान बना दिया। इसके पश्चात पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समूचे भोजपुर जिले के उन सभी मेधावी बच्चों को जो अपने अपने वर्ग में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें मेडल मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दोनों नेताओं का सम्मान भगवान बलभद्र जी भगवान जगन्नाथ जी और माता सुभद्रा जी के प्रतीक चिन्ह से और शॉल उड़ाकर किया गया। आज दिनांक 21 सितंबर 2023 गुरुवार को हम लोग अपने कुल देवता भगवान श्री बलभद्र जी की जन्मोत्सव पूजनोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, ढाका विधायक श्री पवन जायसवाल, सिवान के MLC श्री विनोद जायसवाल जी शिरकत किए हैं और इसमें उन लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर मंच पर से मंशा सिंह कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया। इसमें मेघावी छात्र छात्राओं को मोमेंटो एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और उन लोगों को उत्साहवर्धन किया गया। हम लोग ये कार्यक्रम विगत 30 वर्षों से इसी अपनी पावन धरती पर ब्याहुत सेवा सदन में अपने कुल देवता श्री श्री भगवान बलभद्र जी का पुण्योत्सव करते हैं। आज उन्हीं का यहाँ पे हम लोग मंदिर बनाकर भगवान बलभद्र भगवान जगन्नाथ माता सुभद्रा एवं भगवान भोलेनाथ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पूरे परिवार के साथ किए हुए हैं, जिसकी विधिवत पूजा विगत साल पीछे 2022 से प्राण प्रतिष्ठा हम लोग किए, जो आज तक सुबह शाम भोग आरती होती है और पूजनोत्सव में हमारे सभी बंधु समाज के लोग अगल बगल के पड़ोसी सभी आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। और ये पूजनोत्सव हम लोग समाज को संगठित करने, समाज में एक भगवान के प्रति भावना जागृत करने के लिए करते हैं, जिससे हमारे समाज को संदेश मिले एकजुटता का और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनी रहे, यही हम लोगों की कामना भी करते हैं। सत्यनारायण प्रसाद ब्याहुत, अध्यक्ष ब्याहुत कलवार सेवा संघ भोजपुर आरा। सर आज 21 सितंबर बृहस्पतिवार को कलवार समाज के कुल देवता श्री बलभद्र जी का उत्सव बड़े ही धूमधाम माहौल में दो प्रकांड शास्त्र वेताओं के द्वारा यह संपन्न कराते हुए किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी एवं ढाका के विधायक श्री पवन जायसवाल जी ने और ब्याहुत कलवार सेवा संघ के माननीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण प्रसाद ब्याहुत, महासचिव श्री सत्यनारायण प्रसाद ब्याहुत एवं कई गण्यमान्य ट्रस्टी सदस्यों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जैसा कि पूर्व से निर्धारित था और पूरे भोजपुर जिला में इस बात की खबर थी कि समाज के तमाम मेघावी बच्चियों को उनके मेरिट के आधार पर प्रशस्ति पत्र मोमेंटो और मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आगाज बड़े ही धूमधाम से हुआ। मेघावी बच्चे बच्चियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि ये पूजनोत्सव मेघावी बच्चों की एक प्रदर्शनी के रूप में बदल गया और इन तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पूजनोत्सव का माहौल बड़ा ही सुखद अनुभूति देने लगा। तत्पश्चात द्वय नेताओं द्वारा सारे बच्चों को आशीर्वाद दिया गया, मोमेंटो दिया गया, प्रतीक चिन्ह दिया गया
और उसके बाद सैकड़ों की समाज में आए हुए कई क्षेत्रों से, भोजपुर, बक्सर और पटना जिला से आए हुए तमाम अपने समाज के उन महान विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस तरह कार्यक्रम आगे चलता रहा। उसके बाद हमारे बिहार विधान परिषद के सिवान के सदस्य श्री विनोद कुमार जायसवाल जी ने संगठन और समाज में समरूपता की भावना पर जोर देते हुए तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल को काफ़ी उत्साहवर्धक बना दिया। इसी बीच आरा की मेयर श्रीमती इंदु देवी जी और उनके पति श्री ललन देवी जी भी हम लोग के आग्रह पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और माननीय मेयर साहिबा ने अपने संबोधन से नारी शक्ति की जो पहल पर उन्होंने अपना संबोधन दिया उससे नारी समाज में जयकार गूंज गया और नारियों में एक, औरतों में, स्त्रियों में एक प्रकार के गजब का उत्साह देखा गया। संध्या के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद बनारस से आए हुए प्रधान अर्चक द्वारा दीपोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस तरह उस समय तो लगा कि पूरा माहौल ही एकदम गंगा के घाट पर जिसे दीपक उत्सव मनाया जाता है उस तरह का भक्तिमय हो गया, भक्तिमय हो गया। इसी कार्यक्रम के बाद जय बलभद्र के नारे के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं जितेंद्र कुमार ब्याहुत, पूर्व अध्यक्ष ब्याहुत कलवार सेवा संघ।